नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, साथ ही अपने आत्मीय जनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो, लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, मासिक राशिफल अप्रैल माह की इस कड़ी में आज हम आपके लिए सिंह राशि वाले जातकों के बारे में बताएंगे कि सिंह राशि वाले लोगों का यह माह किस प्रकार से जाने वाला है। लेकिन उसके पूर्व इस माह में कुछ पड़ने वाले प्रमुख त्यौहारों के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं कि कौन कौन से प्रमुख त्यौहार इस माह में पड़ने वाले हैं। 1 अप्रैल को अप्रैल फूल, जिसे मूर्ख दिवस के नाम से जाना जाता है। 2 अप्रैल को रामनवमी का त्यौहार रहेगा। 6 अप्रैल को महावीर जयंती। 10 अप्रैल को गुड फ्राइडे। 25 अप्रैल को परशुराम जयंती व 26 अप्रैल को अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया जाएगा। और इसी दिन से मुसलमानों का जो रमज़ान का त्यौहार है वो प्रारंभ होगा। तो मित्रों, आज हम आपको बताते हैं अब कि मासिक राशिफल में सिंह राशि वालों का अप्रैल का माह किस प्रकार से जाने वाला है। माह की शुरुआत बहुत अच्छी होने के लिए जा रही है। माह की शुरुआत आपकी बहुत अच्छी होगी, आप उदार प्रवृत्ति के इस समय रहेंगे और आपका जो है व्यवहार सभी के साथ में बहुत अच्छा इस समय रहेगा। आप परिवार के लोगों की चिंता करेंगे, आप ऑफिस में अपने कर्मचारियों के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे और सबके साथ में आप एक उदारता का एक जो है नमूना अपने आप को पेश करेंगे। 2, 3 व 4 तारीख को समय थोड़ा सा मध्यम रहेगा, आपकी जो शुरुआत है वो थोड़ी सी ढीली रहेगी, मतलब कोई शुरुआत आपकी अच्छी नहीं कही जा सकती। आपको थकान महसूस होगी और थोड़ी सी आपको कहीं स्वास्थ्य में गिरावट भी आपको महसूस हो सकती है। मन में कई प्रकार की आशंकाएं आपके अंदर जो है वो भरी रहेंगी और चिड़चिड़ापन आपके अंदर रहेगा, आप थोड़े से चिड़चिड़े स्वभाव के रहेंगे। लेकिन 7 अप्रैल को जो है आपका समय आपके अनुकूल रहेगा और कोई पुरस्कार इत्यादि आपको कहीं से प्राप्त हो सकता है, किसी सामाजिक संस्था से या कहीं से आपको पुरस्कार प्राप्त होने की संभावनाएं इस समय दिखाई दे रही हैं। 8 व 10 अप्रैल को जो समय है वो अति उत्तम है, खासकर व्यापारियों के लिए यह समय बहुत ज़्यादा उत्तम रहेगा। व्यापारी वर्ग इस समय जो है अपने व्यापार में अच्छी उन्नति करेंगे। कोई भी कार्य योजना यदि वो बनाते हैं या कोई भी एजेंसी इत्यादि की वो डील करते हैं तो उनके लिए यह समय बहुत ज़्यादा अनुकूल है। किसी भी प्रकार का कोई भी निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो उसके लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। भौतिक सुख सुविधाओं में आपका इजाफा होगा, आप घर से संबंधित जो भौतिक सुख सुविधाओं के सामान खरीदने का आपका जो है वो समय रहेगा। आप अच्छे परिणाम आपके लिए प्राप्त होंगे, आप जितनी मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा कहीं आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। वैवाहिक जीवन, यदि आप शादीशुदा हैं तो आपका वैवाहिक जीवन उत्तम रहेगा और आप यदि किसी से डेट इत्यादि कर रहे हैं, किसी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो वहाँ पर आपका प्रेम संबंध के मामले में बहुत अच्छा समय रहेगा। और इस समय यदि आप अपनी मन की बात किसी को बताना चाहते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो इस समय आप कर सकते हैं, समय आपका जो है अनुकूल रहेगा। 11 व 12 मार्च का जो समय है वो आपके अनुकूल नहीं है, घर में थोड़ी सी अशुभता रहेगी, किसी प्रकार का कोई आपको अशुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है और घर में आपके जो है नेगेटिविटी ज़्यादा रहेगी, घर के जो भी परिवार के लोग हैं उनके अंदर जो है नेगेटिविटी ज़्यादा रहेगी, मतलब नकारात्मक विचार इस समय सभी के अंदर ज़्यादा आएंगे। तो इस और जो शत्रु हैं, गुप्त या प्रकट जो शत्रु हैं वो उसके आपके ऊपर हावी होने के प्रयास करेंगे और चलता हुआ कार्य आपका जो थोड़ा सा रुक सकता है उसमें थोड़ी सी बाधाएं आपकी आएंगी। नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए भी इस समय कोई बाधा आ सकती है। 10 तारीख को उत्तम फलों की प्राप्ति होगी, लाभ के जो रुकावट आ रही थी वह दूर होगी और लाभ के नए नए अवसर आपके समय आपके लिए अवसर प्राप्त होंगे। 16 व 17 तारीख को सामान्य समय रहेगा, कहीं खुशी कभी गम वाला समय रहेगा।
लेकिन मन में आपका उत्साह जो है कूट कूट कर भरा रहेगा। भाग आपका इस समय साथ भी देगा और समाज में आपका जो है रुतबा इस समय बढ़ेगा। 18 व 19 तारीख को मित्रों का आपको बहुत ज़्यादा सहयोग प्राप्त होगा, आपकी कार्य कुशलता बढ़ेगी व घर में कोई नवीन वस्तु खरीदने का इस समय योग दिखाई दे रहा है। कोई नया सामान यदि आप खरीदना चाहते हैं तो इस समय आपका योग दिखाई दे रहा है। माता पिता का आपको प्यार मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा और इस समय यदि आप घर से निकलते समय अपने माता पिता का यदि आशीर्वाद लेकर के जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको हर कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। संतान से जुड़ी हुई यदि कोई समस्या थी उनके एडमिशन को लेकर के या उनके रिजल्ट को लेकर के या उनकी नौकरी इत्यादि को लेकर के कोई परेशानी आपके मन में चली आ रही थी तो वह समस्या इस समय दूर होने के लिए जा रही है। आपको सुखद समाचार आपको प्राप्त होगा और यदि आपके बच्चे की या बच्ची की कहीं शादी आदि की कहीं बातचीत चल रही थी तो वैवाहिक संबंध तय होने की इस समय निश्चित रूप से स्पष्ट जो है संकेत दिखाई दे रहे हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय बहुत अच्छा है। इस समय यदि वो किसी परीक्षा इत्यादि देने के लिए जा रहे हैं या उनका कोई परिणाम आने वाला है तो वह उनके पक्ष में ही जाएगा और पढ़ाई में उनका अच्छा मन लगेगा। 20 व 22 तारीख को कोई अप्रिय समाचार आपको कहीं से प्राप्त हो सकता है। व्यापार में आपको कहीं हानि हो सकती है, आंख बंद करके आपको किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। आपके वाहन में रुपये आदि खर्च हो सकते हैं, आपका वाहन बार बार खराब होगा, इससे आपके जो है उसमें धन थोड़ा खर्च हो सकता है। 23 तारीख को समय में आपका सुधार आएगा, आपको स्वयं लगेगा कि अब जो समय में हमारा सुधार आ रहा है, स्वास्थ्य भी आपका इस समय ठीक रहेगा, ऊर्जा से आप इस समय भरपूर रहेंगे और आपका जो है हर प्रकार से कार्य में मन लगेगा। 24 तारीख को यदि कोई सरकारी कार्य आपका पेंडिंग था तो उसमें आपको सफलता मिलेगी और महत्वपूर्ण समाचार आपको कहीं से प्राप्त होगा, आपको जो है हर तरह से विजय की प्राप्ति होगी, रुके हुए जो काम है वो आपके पूरे होंगे। और यदि आप नौकरी पेशे वाले हैं तो इसमें आपको जो है पदोन्नति मिलने के जो है उम्मीद दिखाई दे रही है और आपका यदि इंक्रीमेंट इत्यादि रुका हुआ था तो वो इंक्रीमेंट भी आपको इस समय मिल सकता है। 25-26 तारीख को जो समय है वो आपके मान प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला रहेगा, आपको मान सम्मान की वृद्धि होगी, आपके उच्चाधिकारी व आपके जो सहकर्मी हैं वो आपका अच्छा सहयोग करेंगे और उनसे आपके लिए बहुत सारा आपको सहयोग प्राप्त होने के लिए जा रहा है। नया कार्य की समय आप कोई शुरुआत कर सकते हैं, कोई यदि आप व्यापारी वर्ग हैं तो आप कोई नया कार्य शुरू कर सकते हो। नौकरी पेशे वाले व्यक्ति हैं और यदि आप कहीं नौकरी को चेंज करना चाहते हैं तो इस समय यह अनुकूल है, इस समय आप अपनी योजनाएँ बना सकते हैं। इसके पश्चात जो है 28-29 तारीख का जो समय उत्तम रहेगा, लेकिन इस समय बगैर सोचे समझे आपको कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, खासकर तकनीकी कार्यों से जुड़े हुए लोगों को जो है कोई कार्य अपने बगैर सोचे समझे नहीं करना चाहिए, सोच विचार करके काम करना चाहिए। किसी शादी समारोह इत्यादि में आप जो है सम्मिलित हो सकते हैं, मौज मस्ती का यह समय रहेगा। 29-30 तारीख को परिवार में थोड़ा सा मनमुटाव इत्यादि हो सकता है जिससे कि आपके लिए थोड़ा सा मन खिन्न रहेगा व इससे आपकी थोड़ी सी आर्थिक जो है हानि के भी योग दिखाई दे रहे हैं। कहीं से कोई आपके लिए हानि हो सकती, व्यापार इत्यादि में यदि आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक कार्य नहीं करेंगे तो आपके लिए निश्चित रूप से आपके सहकर्मी आपके लिए जो है थोड़ा सा हानि पहुंचा सकते हैं। शत्रु वर्ग आपके ऊपर जो है थोड़ा सा हावी रहेगा, इसलिए थोड़ा सा इस समय आपको सोच समझ करके काम करना चाहिए। सिंह राशि वालों के लिए उपाय के तौर पर जो है रविवार का व्रत करना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का यदि वो पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से यह माह आपका उत्तम जाएगा। मित्रों, यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे नित्य आने वाले वीडियो आपके पास तक, उनका समाचार आपके पास तक आसानी से पहुँच सके, तुरंत पहुँच सके, जिसका कि आप समय पर उसका लाभ ले सकें। इसी प्रकार अपना स्नेह व प्यार देते रहें। आपका दिन मंगलमय हो, आपका यह माह बहुत अच्छा रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ में माँ गायत्री से हम सदैव प्रार्थना करते हैं कि आप खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों के ऊपर बनी रहे, हमें आज्ञा दें। मित्रों नमस्कार। मित्रों, यदि आप भी अपने जीवन में किसी समस्या से परेशान हैं, कोई समस्या से आप जूझ रहे हैं, पति पत्नी में आपसी मतभेद है, तलाक की स्थिति आ गई है, प्रेम संबंध में कहीं कोई परेशानी जा रही है, परिवार को लेकर के परेशान है, संतान को लेकर के परेशान है, संतान नहीं हो रही है, यदि हो गई है तो वो आपकी बात नहीं मानती है, कई प्रकार की समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, चलता हुआ व्यापार बंद हो गया है, नौकरी नहीं लग रही है, शादी नहीं हो रही है, प्रेम संबंध होगा कि नहीं होगा, इस समस्त जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का हमारा तरीका है
कि हमारे जो दोनों नंबर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों व्हाट्सएप नंबर हैं, इसमें आपको अपनी जन्म कुंडली आपको भेजना पड़ेगी, यानी आपका नाम, जन्म तारीख, जन्म समय एएम है या पीएम है, और जन्म स्थान। जन्म स्थान यदि छोटा है तो वहाँ का आप डिस्ट्रिक्ट प्लेस भेजें। उसके पश्चात में हम अपना यहाँ से अपना बैंक अकाउंट नंबर भेजेंगे, जो कि हमारी परामर्श शुल्क है 1100 रुपया एक कुंडली देखने का, वह आपको पहले जमा करना पड़ेगी। उसके पश्चात हम आपको समय देंगे, उस समय पर आप हमसे अपने जीवन की जुड़ी हुई समस्त समस्याओं के समाधान के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं। उस कुंडली के माध्यम से हम आपके जीवन से जुड़ी समस्त समस्याओं के समाधान के बारे में बताएंगे, वह छोटे छोटे से उपाय आपको बताएंगे जिसमें आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होगा। तो संपूर्ण यदि आप अपने भाग्य को जानना चाहते हैं, संपूर्ण आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में क्या होने के लिए जा रहा है, तो आप हमसे तुरंत अपना जो है मोबाइल उठाएं, व्हाट्सएप पर अपनी जो है डिटेल भेजें, और उसके पश्चात हमारी जो परामर्श शुल्क है 1100 रुपये आप उसको जमा करें। उसके पश्चात हम आपसे के जीवन में जुड़ी हुई हर एक समस्या के समाधान के बारे में बात करेंगे और छोटे छोटे से उपाय बताएंगे। यदि आप कुंडली बनवाना चाहते हैं तो उसका चार्ज हमारा 3100 रुपया है, जिसमें कुरियर चार्ज सम्मिलित है। तो उसके लिए यदि आपको कुंडली बनवाना है तो इस प्रकार की हम कुंडली बनाते हैं, ये देखिए इस प्रकार की हम कुंडली बनाते हैं। ये कंप्यूटर के द्वारा निकलता है, 10-15 पन्ने, जिसमें अंक ज्योतिष भी रहता है। इसके पश्चात इसकी विशेषता ये है कि ये हम जो है लिख करके देते हैं, पूरे नवग्रह का पूरा जो 9 ग्रह हैं उनके बारे में पूरी विवरण जो है हम अपने हाथों से लिख करके देते हैं कि कौन सा ग्रह आपका जो है कहाँ पर बैठा हुआ है और क्या फल वो आपके लिए देने वाला है। आपके यदि बच्चे की कुंडली बनवाना चाह रहे हैं तो उसके कैरियर के बारे में हम आपको जानकारी देंगे कि उसके कैरियर का आपको कौन सा चयन करना चाहिए, उसकी नौकरी कब लगेगी, उसको व्यापार करना चाहिए, नौकरी करना चाहिए, उसके जीवन में जो भी समस्या आएंगी वो सारी की सारी चीज़ें इसमें आपको जो है पूरा विवरण आपको मिलेगा। इसका चार्ज 3100 रुपये है, जिसमें कुरियर चार्ज सम्मिलित है। तो आप अपनी कुंडली भी बनवा सकते हैं, अपनी, अपने बच्चों की, अपने परिवार के किसी भी सदस्य की आप कुंडली बनवा सकते हैं। तो मित्रों, हमारा संपर्क करने का हमने आपको तरीका बता दिया, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है अपनी समस्याओं को भेज सकते हैं। छोटी छोटी कोई समस्या हो, गृह प्रवेश कब करना है, मुंडन संस्कार आदि कब करना, छोटी छोटी कोई समस्या हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, और जब भी हमें अवकाश मिलेगा हम निःशुल्क उसकी आपके लिए जानकारी दे देंगे। लेकिन यदि आपको अपना जन्मांक दिखाना है तो फिर आपके लिए जो है हमारी परामर्श शुल्क जमा करना पड़ेगी। आशा है मित्रों आप इसका जरूर लाभ उठाएंगे और हमें इसका एक बार अवसर जरूर देंगे। नमस्कार।